दोस्तों मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। दो वर्ड हैं जो हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन, और ये जो हैं हम इंटरचेंजेबली इंग्लिश में जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साइंस के अंदर जो है इसका बहुत ही पर्टिकुलर मतलब है, बहुत ही पर्टिकुलर टाइम पे उसको यूज़ किया जाता है। और उससे एसोसिएटेड जो है तीन और वर्ड हैं जिसे कहते हैं रैंडम एरर कहते हैं, एक को सिस्टमेटिक एरर कहते हैं और एक को ग्रॉस एरर कहते हैं। तो क्या है ये सब टर्मिनोलॉजी और कब कब किसे क्या इस्तेमाल करना चाहिए, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो देखो एक्यूरेसी तो क्या है कि जैसे मान लो आप कोई पर्टिकुलर डेटा आप जानते हो, कोई पर्टिकुलर वैल्यू है आपके पास में जो आपको पता है कि वही सच है, वही सही है, तो उससे जब आप मेजरमेंट ले रहे हो तो आप उसके कितना क्लोज जा रहे हो, तो वो जो जितना क्लोज हो उतना ज़्यादा आपकी जो है एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। लेकिन प्रिसीजन क्या है कि वो जो भी हो, भले एक्यूरेट हो या नहीं हो, लेकिन आप जो वापस जब रिपीट कर रहे हो तो जो वैल्यू आपकी पहले आ रही है उससे वापस कितना आप उसके क्लोज हो। तो इसे एक जैसे एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे आप मान लो एक अच्छे आर्चर हो, मतलब एक धनुष बाण चलाने वाला आदमी हो, तो आपको जो है एक पर्टिकुलर स्पेस पे मारना है, तो एक जैसे वो जो पूरा डायग्राम बना होता है तो उसके जो सेंटर पॉइंट होता है, जैसे हम कहते हैं बुल्स आई, राइट, तो वहाँ पे जो है अब उसको एक सेंटर पॉइंट लेके चलते हैं कि वहाँ पे जो है आपको हिट करना है। अब वहाँ पे जो है चार पॉसिबिलिटीज हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई आप जो है मान लो बहुत ही नौसीखी हो और आपने जो है वहाँ पे जैसे ही जब बाण चलाया वहाँ पे, तो जब बाण चलाया तो वहाँ पे मान लो आपने 10 बाण चलाए तो सारे के सारे कभी ऊपर जा रहा है, कभी बाहर वाले पेरिफेरी में जा रहा है, कभी नीचे कहीं इधर उधर, ये अलग अलग जगह पे जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर ना तो प्रिसीजन है ना ही एक्यूरेसी है, क्योंकि सारे के सारे जो है वो इधर उधर जा रहे हैं, उस बुल्स आई पे नहीं जा रहे हैं, तो वही क्योंकि मेन टारगेट है वहीं पे जाना चाहिए। तो पहला अगर केस हमें समझना हो तो वो क्या हुआ कि जैसे कोई नौसीखे आदमी और वो बाण चला रहा है तो वो कैसे चलाएगा, तो वो वाला तरीका जो है उसको हम बोलेंगे लो प्रिसीजन लो एक्यूरेसी वाला। दूसरा केस हम डिस्कस करते हैं जिसके अंदर मान लो जो बुल्स आई है आप वहाँ पे नहीं मार रहे हो लेकिन उसके आजू बाजू जो है वहाँ पे आप हिट कर रहे हो, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बेसिकली आप जो है मतलब आप में एक्यूरेसी तो है क्योंकि बुल्स आई जो है वही टारगेट है, वहीं पे आपको मारना है, लेकिन आप में जो है प्रिसीजन नहीं है, यानी कि वहाँ पे जो है बहुत रैंडमनेस है। ऑल्दो वो पास में है लेकिन डेटा सेट के अंदर एक दूसरे के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा लेवल पे डिफरेंसेस हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे कि लो जो है वो वहाँ पे प्रिसीजन है और हाई एक्यूरेसी है। तो ये जो लो प्रिसीजन और जो हाई एक्यूरेसी है वहीं पे जो है एक टर्म है जिसे कहते हैं रैंडम एरर, यानी कि ऐसी एरर जो कि रैंडमली हो रही है, और इसका जो है मेनली वो नेचर डिपेंडेंट होती है कि जो एक्सपेरिमेंट करने वाला जो बंदा है उसका जो है वो नेचर कैसा है, उसका हाथ कैसा है वगैरह, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। मान लो अभिनव बिंद्रा जो है खुद वहाँ पे चला रहे हैं लेकिन मान लो किसी वजह से नर्वसनेस है और उनके हाथ जो है एकदम मतलब ट्रेम्बल कर रहे हैं किसी वजह से, ओलंपिक के अंदर वो कहीं चला रहे हैं ऐसा कुछ है, तो वहाँ पे जो है हो सकता है कि लो प्रिसीजन है और हाई एक्यूरेसी है, यानी वहाँ पे बहुत रैंडमली एक्यूरेटली तो पढ़ रहे हैं लेकिन उसके बुल्स आई पे नहीं पढ़ रहे हैं। तीसरा हम केस और डिस्कस करते हैं जिसके अंदर मान लो कि आप अगर जैसे कि मान लो आप वहाँ पे जो है बाण मार रहे हो, तो वो बाण मारते हुए वहाँ पे जो है आप कितना जो है मान लो बुल्स आई वहाँ पे है और उसके बाद में आप लेट्स से कि सेकंड पेरिफेरी पे या फर्स्ट पेरिफेरी पे है वहाँ पे आप मार रहे हो, ना कि बुल्स आई के पास में, लेकिन जितना आप मार रहे हो वो इस तरह से मार रहे हो कि वो एकदम एक दूसरे के बहुत आस पास में, यानी ऑलमोस्ट एक दूसरे से जो है वो अलाइन कर रहा है, जब भी जा रहा है तो ओवरलैप कर रहा है जितने भी आपके बाण अगर आपने 10 छोड़े हैं, तो इस केस को हम क्या कहेंगे कि वहाँ पे प्रिसीजन तो बहुत अच्छा है लेकिन वहाँ पे एक्यूरेसी नहीं है, क्योंकि एक्यूरेसी के लिए जो है आपको वहाँ पे बुल्स आई पे मारना चाहिए था। तो ये वाली जो स्टेट है हाई प्रिसीजन लो एक्यूरेसी, तो यहाँ पे जो एरर होती है उसे हम बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर, राइट, क्योंकि यहाँ पे जो है अगर एरर है इसका मतलब एक्सपेरिमेंट के डिजाइन में या वहाँ पे कहीं फ्लॉ है जिसकी वजह से ये एरर देखने को मिल रही है, कि फॉर एग्जांपल अभिनव बिंद्रा ही चला रहे हैं लेकिन वहाँ पे जो है किसी ने आके बोला कि भाई देखो मतलब तुम प्रैक्टिस पूरी इस बाण से करते हुए आए हो लेकिन मुझे नहीं लगता ये तुम्हारे ओलंपिक के लिए सही है, और तुम्हें जो है मान लो ये वाले इस बाण से चलाना चाहिए, ये लकी बाण है, इस पे मैंने बहुत कुछ अच्छा करके दिया है, तो सामने वाला जो है उस बाण को लेके चला जाता है, तो क्योंकि उसका हाथ तो सही है सामने वाले का, अभिनव बिंद्रा का हाथ तो सही है, तो वो प्रिसाइजली वहीं पर पड़ रहा है लेकिन एक्यूरेसी जो है वहाँ पर नहीं है, बुल्स आई पे नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जैसा मैंने बताया था कि डिजाइन में प्रॉब्लम है कहीं कहीं, क्योंकि वहाँ पे बाण चेंज कर दिया गया है, वो कि वो सिस्टमेटिक एरर इसे हम कह रहे हैं।
और फोर्थ केस लेके चलते हैं जो कि वहां पे सबसे मतलब एक सबसे सही केस है, जिसके अंदर आप मान लो बुलजाई पे मार रहे हो और आपने 10 बार बाण छोड़े हैं, तो 10 बार बाण छोड़ते हुए आपने हर बार जो है बुलजाई पे ही मारे हैं, यानी कि वो एक तरह से आपको हाई प्रिसीजन और हाई एक्यूरेसी को बताता है। अभिनव बिंद्रा खुद चला रहे हैं, बाण भी वही है, एकदम वो फोकस है, पीसफुल है, और एकदम उनका पूरा ध्यान बुलजाई के ऊपर है और वो वहां पे हिट कर रहे हैं, तो वहां पे आपको हाई प्रिसीजन और हाई एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। तो साइंस के अंदर भी जो है हाई प्रिसीजन एंड हाई एक्यूरेसी हमेशा चाहिए होती है, और इसका सबसे ज्यादा जो है आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा वो है रॉकेट साइंस के अंदर। और कहते हैं ना ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो क्यों इसे बोलते हैं, क्योंकि वहां पे आपको हाई प्रिसीजन चाहिए एंड हाई एक्यूरेसी चाहिए। कि फॉर एग्जांपल आपने बिल्कुल अगर कहीं पे भी प्रिसीजन या एक्यूरेसी के लेवल पे गड़बड़ की, तो पता चला कि आपने यहां से रॉकेट भेजा और वो किसी और के जो है सैटेलाइट के काम करने लगा, किसी और की जो है जियो लोकेशन पे पहुंच गया, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो आपके लिए काम करेगा ही नहीं। तो इस वजह से वो पॉइंट के भी बहुत आगे के फ्रैक्शन तक जो है उसको वहां तक जो है उसको उस लेवल पे एक्यूरेटली और प्रिसाइजली कैलकुलेट करके फिर जो है यहाँ से रॉकेट को भेजा जाता है। तो अगर समअप करना हो मुझे, तो प्रिसीजन क्या बता रहा है कि कितना क्रेडिबल है डेटा, यानी कि आप कितना उसे रिपीट कर सकते हैं और कितना उसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो बताता है कि क्रेडिबिलिटी कितनी है उस डेटा की। और दूसरी तरफ जो है एक्यूरेसी, वो बताता है कि वैलिडिटी कितनी है, कि कितना वो वैलिड है डेटा। और ये ध्यान रहे तभी ये सब दोनों एक्यूरेसी प्रिसीजन का काम है, जबकि वहाँ पे कोई नोन चीज से हम बात कर रहे हैं, नोन चीज से कंपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रिसर्च कर रहे हैं और अगर कोई अननोन ही है बिल्कुल, आपको कुछ पता ही नहीं है, तो वहाँ पे एक्यूरेसी का जो है कोई कॉन्सेप्ट आ ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पे आपके पास में कोई नोन स्टैंडर्ड ही नहीं है जिसे आप फैक्चुअली कह सको कि यस दैट इज देयर और उसके अगेंस्ट जो है वो कितना फ्लक्चुएशन आ रहा है। और तीसरा ग्रॉस एरर, तो ऐसा कि मान लो एक्सीडेंटल लेवल पे जो है वहाँ पे कोई हो गया है, कुछ गलत हो गया है, तो उसको जो है हम उसको कह देते हैं ग्रॉस एरर, कि वो मतलब बिल्कुल ही रैंडम है, उसका कोई पैटर्न समझ में ही नहीं आ रहा, तो मतलब बेसिकली जो है एक्सपेरिमेंट करने वाला है उसको वापस से रिपीट करना पड़ेगा, इसके अलावा और उसके पास में कोई चारा नहीं है। तो ये था मेरी तरफ से जो है वो डिफरेंस एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बीच में, और रैंडम एरर के बीच में, सिस्टमेटिक और ग्रॉस एरर के बीच में। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।